जिलाधिकारी पटना का आदेश है, बड़ी उसके अध्यक्ष महोदय का आदेश है, 9 दिन के बाद किसी भी स्थिति में आपका प्रवेश नहीं आ सकेगा। कदाचार करते हुए हो गया ना ना एंट्री पूरा खत्म है लिखना नहीं आधार कार्ड नहीं जाना सभी मैट्रिक बोर्ड की 10वीं की परीक्षा आज से 2 पालियों में शुरू हो चुकी है। मसौढ़ी अनुमंडल 5 परीक्षा केंद्र बनाए गए, जहां इस बार 4957 परीक्षार्थी इस परीक्षा में शामिल होंगे और यहां पर कदाचार मुक्त दावे के साथ परीक्षा इस बार शुरू हुई है और कोरोना गाइडलाइन के तहत जो पहले से जो यहां पर नियम बने थे इस बार भी हैं, लेकिन इस बार यह भी सख्त निर्देश है कि जिस कक्षा में जहां पर जो कदाचार पकड़े जाएंगे वहां वीक्षक भी इस बार दंडित किए जाएंगे। तो कुल मिलाकर मसौढ़ी अनुमंडल 5 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और इस बार सिर्फ लड़कियों के लिए यहाँ पर परीक्षा केंद्र बनाए गए। 1847 परीक्षार्थी है, सबको सैनिटाइज करके पहले बेंच पर एक और दूसरे पहले बेंच पर दो और दूसरे बेंच पर एक के साथ बैठाया जा रहा है। परीक्षा कदाचार मुक्त पद, हाँ, इसके लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। वीक्षक भी हैं और साथ साथ मजिस्ट्रेट हैं, सब लोग गहन जांच कर रहे हैं। पहले गहन जांच करके उनकी तलाशी लेकर फिर स्क्रीनिंग करके तब उनको अंदर जाने दे रहे हैं। सारा जो भी कदाचार का साधन है उसको बाहर ही हम लोग निकाल ले रहे हैं। मसौढ़ी अनुमंडल में कुल 5 केंद्र बनाया गया है, इसमें 3 मसौढ़ी में है और 2 पुनपुन में है और सभी जगह बच्ची का ही एग्जाम यहाँ होना है। इसमें कुल लगभग 4972 है संख्या जिसका एग्जाम होगा 2 पाली में। सबसे बड़ी बात यह भी है कि जिस परीक्षा हॉल में जो परीक्षार्थी परीक्षा चोरी करते पकड़े जाते हैं तो वहां के वीक्षक भी दंडित किए जाएंगे। शशि दुर्शान जी, भारत मसौढ़ी।